हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 13th ऑफ दिसंबर 2019। हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज पे, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज नंबर वन, 7th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि इंडिया की एक स्टेट महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट है। एम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग जिनको काम दिया जा सके। उसके बाद इस लिस्ट में आगे आने वाली स्टेट्स थी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र ने टॉप किया इस लिस्ट को ऑफ स्टेट्स विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट, मतलब सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिनको काम दिया जा सकता है, बड़ी एमएनसी में, बड़ी कंपनीज में। उसके बाद तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें शहरों की, तो मुंबई, हैदराबाद और पुणे, ये जो तीन शहर है, मुंबई आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, हैदराबाद आपको मिलेगा तेलंगाना में, और पुणे भी महाराष्ट्र में, मोस्ट एम्प्लॉयबल सिटीज़ का यहाँ इनको टाइटल मिला था। अगर हम बात करें फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी की कैटेगरी, तो ये रिपोर्ट बताती है कि ग्रोथ देखी गई है 47% की, एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ 2019 में, और 2017-18 की ग्रोथ थी 38% और 46%। तो इस साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी में। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जिनको नौकरियाँ मिली वो किस फील्ड से आ रहे थे, एजुकेशन फील्ड से, तो मोस्ट एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स जो थे वो कोर्सेज थे उनके MBA। आपको पता है MBA की फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो MBA के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली। नेक्स्ट न्यूज़ हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर टू, एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड जिसका नाम है पूमा, तो पूमा यानी एक इंडिया के मेंस फुटबॉल टीम के जो कैप्टन हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, आप उनके यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, तो सुनील छेत्री को अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर। 3 साल के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे पूमा के। तो पूमा एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है स्पोर्ट्स की, जो डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है एथलेटिक गुड्स, उसके अलावा कैजुअल वेयर्स भी। बेंगलुरु FC के कैप्टन, जो आपको पता है क्लब है, फुटबॉल क्लब बेंगलुरु FC के कैप्टन सुनील छेत्री हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि वो हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर हैं करंट फुटबॉल में, किसके बाद, आफ्टर पोर्तुगल्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, उनके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं सुनील छेत्री। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर थ्री, ASI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने आइडेंटिफाई किए 138 ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको ने डिक्लेयर किया एज मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स। हमारी कंट्री में ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको आपको लाइफ टाइम एक ना एक बार देखना ही चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल ने इसके बारे में बताया, इस पूरी न्यूज़ के बारे में बताया कहाँ पर, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो मिनिस्टर ने इसके अलावा ये भी बोला कि 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हमारी इन कंट्री में, जिसमें से 22 कल्चर साइट्स को, जिसमें मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, केव्स आती हैं, उनको प्रोटेक्शन मिली है थ्रू आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया में कोई जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वहाँ की गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको बचा के रखें उस जगह को, वहाँ लोग डैमेज ना कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, तो एक इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल है आर्कोलॉजिकल रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स के लिए, जो मैंने आपको भी समझाया। इसको बनाया गया था बहुत ही पहले 1861 में, इसको बनाया था, उनका नाम था एलेक्जेंडर क्यूनिंगम, और उसके बाद वो आगे जाके इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने। अगली न्यूज हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, यूनिसेफ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है अंडर UN, यहां आपको एक चीज पता होनी चाहिए, UN ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ नहीं, आपको पता होना चाहिए। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे UN का सेक्रेटेरिएट आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, UNG आता है, UNSC आता है, इसके अलावा और दो हैं। तो यूनिसेफ डे ऑब्जर्व किया गया कब, December 11, 2019 को। तो यूनिसेफ जिसके सबसे पहले फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसको क्रिएट किया था UNGA ने, आपको बताया UNGA एक प्रिंसिपल ऑर्गन है UN का। UNGA ने इसको बनाया था, कब बनाया था इसको, December 11, 1946 में इसको बनाया गया था। इसको बनाने के पीछे जो UNGA का मेन मोटिव क्या था, कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड बनाया जाए, तो जो कि काम करेगा बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, प्रॉपर फूड देने के लिए। मेजरली इसको बनाया गया था World War II के बाद जो डेवेस्टेशन हुई थी दुनिया भर में, जो कंट्रीज टूटी थी, वहाँ पर बच्चों की हेल्प करने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स आपको वहीं मिलेंगे जहाँ यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, और इस टाइम पर इसके डायरेक्टर का नाम है हेनरिएटा H4। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर 5th, मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट्स जो कि दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, कंट्रीज का नाम है बांग्लादेश, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है एज पोर्ट्स ऑफ कॉल। इनको डिक्लेयर किया गया है पोर्ट्स ऑफ कॉल अंडर दी
कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, तो दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो मिनिस्ट्री है इन्वॉल्व है, उन्होंने अनाउंस किया कि मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट जो कि दोनों बांग्लादेश में, उनको स्पेशल पोर्ट पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया अंडर दिस एग्रीमेंट। एक बार आप मैप पे देख लें, यहाँ आपको मिलेगा मोंगला पोर्ट और जो चट्टोग्राम पोर्ट है आपको यहाँ पर मिलेगा, दोनों बांग्लादेश में आते हैं। ठीक है, तो एक MOU भी साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। इसके अलावा एक SOP भी साइन हुआ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि जो दोनों पोर्ट्स है इसको इंडिया और बांग्लादेश कैसे मिलकर यूज़ करेंगे, दोनों कंट्रीज कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर 6, एक बहुत ही फेमस इंडियन एक्टर जिनका नाम है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी बन गए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाडा। नाडा की फुलफॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो सुनील शेट्टी एक बॉलीवुड एक्टर बने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा। जो अपॉइंटमेंट है ये अपॉइंटमेंट हुई इन द प्रेजेंस ऑफ किरण रिजिजू। किरण रिजिजू एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ चीज़ हमको पता नहीं चाहिए नाडा के बारे में। नाडा को बनाया गया था 24 नवंबर 2005 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली, इंडिया। इसका पर्पस है एंटी डोपिंग। एंटी डोपिंग जैसे आपको पता है आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है, क्योंकि रशिया को इसी डोपिंग के वजह से, नाडा तो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। तो वाडा ने एक कंट्री जिसका नाम है रशिया, उसको बैन कर दिया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से। क्यों? अब रशिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डोपिंग की वजह से। तो डोपिंग मतलब जब एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स को, कुछ ऐसा ड्रग को इंजेक्ट करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, पर वो अलाउड नहीं होते इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। इससे क्या होगा, एक प्लेयर को तो एज मिल जाएगा पर उसके कॉम्पिटिटर्स को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कुछ भी ऐसी चीज़ स्पोर्ट्स पर्सन अपनी बॉडी में इंजेक्ट ना करे। तो नाडा के चेयरमैन इस टाइम पे कौन है, हमारी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। नेक्स्ट न्यूज़ में हम चलते हैं, लास्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर 7, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 अब पास हो चुका है। कहाँ से? पहले पास हुआ था लोकसभा से, अभी अपर हाउस राज्यसभा से भी पास हो गया। तो पार्लियामेंट अभी तो एज अ होल पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया, क्योंकि हम मानेंगे यहाँ पे लोकसभा, उसके बाद आता राज्यसभा और फाइनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने इसको साइन नहीं किया, पर ये दो हाउस लोकसभा राज्यसभा ने इसको साइन कर दिया। तो पार्लियामेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को, मतलब अब पास हो गया राज्यसभा के फ्लोर टेस्ट से। तो ये जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन थी जो कि काफ़ी टाइम से चल रही थी पार्लियामेंट में बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन दी ऑपोजिशन, अब वो फाइनली खत्म होगी जब हमारी कंट्री के प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इसको साइन करके एक लॉ बना देंगे। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं ऑफ दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें करंटली जो इसके मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 245 की है, जिसमें से 233 को इलेक्ट किया जाता है बाय लेजिस्लेचर, इसके लिए इलेक्शंस नहीं होते, और जो बाकी हैं उनको यहाँ नॉमिनेट किया जाता है। चेयरपर्सन इस टाइम पे इसके वेंकैया नायडू इसके चेयरपर्सन है, और जो टर्म लिमिट होती है यहाँ पर 6 साल की होती है, 5 साल की यहाँ पर नहीं होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो में। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, आप इस वीडियो को रेगुलर देखें, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।